इंदौर में राजकुमार सब्जी मंडी स्टेशन एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग ने भाग लिया और अपनी मांगों के संबंध में नारे लगाए। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा राजकुमार मंडी को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, इसे लेकर मंडी में हड़ताल भी जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय पर जाकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों ने परिसर में भी नारे लगाए। नारों के माध्यम से कलेक्टर से आग्रह किया गया कि राजकुमार मंडी को शिफ्ट करने से पहले कुछ समय की मोहलत दी जाए, निरंजनपुर में जो दुकानें आवंटित की गई है उनका काम पूरा किया जाए, इसके बाद हमें राजकुमार मंडी से हटाया जाए। सब्जी मंडी एसोसिएशन एवं व्यापारी वर्ग द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। 10 साल हो गए हाईकोर्ट का आदेश हुआ था और जोधपुर में दुकान बनी है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि वहाँ वहाँ स्थापित हो जाए। हम जाकर सागर में चाहता है कि यहाँ व्यवसाय नहीं करो, हमको स्थापित जब तक स्थापित वहाँ दुकानें नहीं बनती तब तक हमें यहाँ पर व्यवसाय करने दे। अभी कलेक्टर द्वारा आप यहाँ पर आए हैं, तो कलेक्टर द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? अगर चलिए मान लीजिए आप वहाँ से कुछ भी आश्वासन मिलता, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन क्या? आपका नाम? इंदौर से दीपक जायसवाल के साथ सतीश की रिपोर्ट।